अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुबह कलाम से कुम्हराट के लिए रवाना हुए हैं और इम्तियाज़ भाई और यूनुस भाई का प्लान कैंसिल हो गया है क्योंकि उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया है कलाम से, वो वापस चले गए। अभी हमें अतरौड़ वैली में और मैं चाय के लिए रुका हूँ। इधर पीछे बहुत खूबसूरत होटल है, दरिया को पार करके आना पड़ता है, बीच में सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज पर चढ़ के दरिया पर आना पड़ता है। चाय पीने के लिए रुका हूँ, उससे आगे फिर अतरौड़ से आगे गबराल वैली है, हम गबराल वैली को थोड़ा सा विज़िट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आज शाम तक हम कल कुम्हराट वैली तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बीच में मैं अतरौड़ वैली में रुका हूँ, बहुत खूबसूरत मंजर है कि होटल बना हुआ है, इसमें सस्पेंशन ब्रिज है ये पीछे, बहुत ही लाजवाब मंजर यहाँ से नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। हम अभी अतरौड़ से कुम्हराट के रास्ते में और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, पीछे सारा नज़र आ रहा होगा आपको, रोड सारा ऑफ रोड है और हमने कोशिश करी है कि हमें कलाम से कुम्हराट की तरफ जाए। कुम्हराट से कलाम आना आसान है, कलाम से कुम्हराट जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर सीधी चढ़ाइयाँ चढ़नी है ऊपर सीधी सीधी, और हमारी कोशिश है कि इंसान जल्द इसको क्रॉस करें। ये अभी हम बदोगी पास के रास्ते में, बहुत ही लाजवाब मेडोज बने हुए हैं लेकिन बहुत टफ है यहाँ तक आना। कुम्हराट से कलाम आना इजी है क्योंकि वहाँ से सिर्फ रास्ता उतर रहा है, लेकिन कलाम से कुम्हराट जाना जो है ना वो टोटल अपोजिट हो जाता है, सिर्फ चढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ। तीन जगह मेरी गाड़ी फंसी है, लोगों ने बेचारों ने धक्का लगाया है और मैंने फिर इस वजह से क्रॉस किया है। अभी हम तकरीबन टॉप के करीब करीब हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहे हैं यहाँ से, वो टोटल ऑफ रोड है यहाँ पर। अभी हम बदोगी पास के करीब हैं और बहुत ज़बरदस्त चरागाह बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत वो रोड आप मेरे सामने देख रहे हैं, सारा ऑफ रोड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाइक चढ़ाने में लेकिन बहुत ही लाजवाब मंजर है और टूरिस्ट मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाया मेरे अलावा। ये सामने जो रास्ता जा रहा है सारा ऑफ रोड, ये यहाँ से होता हुआ ये आप देखें मेरी उंगली के साथ 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 ये ऊपर जा रहा है और ऐसे करके वो जो टॉप है आई थिंक वो बदोगी टॉप है। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अज जल्द इधर पहुँच सकूँ, हरियाली बहुत है और माशाल्लाह हर तरफ ही लाजवाब मंजर है, चारों तरफ ही लाजवाब मंजर है और ये मंजर देखते ही मुँह से सुभान अल्लाह निकलता है। हाँ इंशाल्लाह, अगर मैं यहाँ पर इसी रोड से आया ना तो फिर मैं आऊँगा तुम्हारे पास। नंबर मेरा रिपीट। हाँ नंबर बताओ। 0340 6280 470। नाम क्या है तुम्हारा? शाहिद। शाहिद, चलो अगर हम इस रोड से वापस आया तो शाहिद भाई का मेहमान बनेगा बस। शाहिद भाई की बाइक का थोड़ा सा पेट्रोल ख़त्म हो गया था और ये काम अल्लाह ने आसान कर दिया इनका, और बदोगी पास अब करीब ही है यहाँ से, ये खाली सामने वाली साइड पे बदोगी पास है, हम पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह जल्दी इधर। अल्हम्दुलिल्लाह हम बदोगी टॉप तक पहुँच गए और बहुत ही लाजवाब मंजर नज़र आ रहा है इधर, ये बदोगी टॉप का टॉप है बिल्कुल, ये सामने बदोगी टॉप का टॉप है और बदोगी टॉप के लिए ये कुम्हराट के लिए रास्ता जा रहा है इसके पीछे से। हम थोड़ी देर इधर टाइम देंगे बदोगी को और फिर हम आगे कुम्हराट के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि मैं बदोगी टॉप पर पहुंच गया हूं और बहुत ही लाजवाब मंजर है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं सिंगल यहां पर पहुंचा हूं और बहुत ही लाजवाब मंजर है, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी करी, मैं अल्लाह ताला का इस पर लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। ये मेरी बाइक खड़ी है पीछे और ये सामने बदोगी पास है, ये अभी हम खड़े हुए हैं कलाम और कुम्हराट के बिल्कुल बीच में बदोगी पास पे
और ये बॉर्डर है, ये सारा जो नज़र आ रहा है ये डिस्ट्रिक्ट दीर है, और ये पीछे जो नज़र आ रहा है इस पहाड़ के पीछे ये सारा डिस्ट्रिक्ट कलाम है। बहुत ही खूबसूरत है सवात और दीर के दरमियान में ये बदोगी पास मेरा बाइक खड़ा है, इसने भी बड़ा साथ दिया है हमारा यहाँ तक पहुँचाने में। बहुत ही लाजवाब मंजर है, मैं इस रास्ते से आया हूँ और कुमराट जाने के लिए ये रास्ता है जो वहाँ जा रहा है। थोड़ी देर यहाँ स्टे करेंगे, इसके बाद हम कुमराट के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे। मैं सुबह 9 बजे कलाम से निकला था और 1 बजे मैं पदोगी पास पहुंच गया हूँ। ये मेरे पीछे मंजर है, सारे लाजवाब मंजर है, बहुत खूबसूरत जगह है, और मैं अभी बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ये पीछे जो है ये सारा डिस्ट्रिक्ट दीर है, और ये मेरे पीछे जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट सवात है, और ये बॉर्डर लाइन है, सब बॉर्डर लाइन पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी बाइक खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी करी, 2 साल से मैं यहाँ आने की ख्वाहिश रखता था और आज अल्लाह पाक ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। हम इस रास्ते से आए और अब हमें ये रास्ता जो लेके और इसके पीछे से उतर के वो रास्ता जा रहा है सामने ये दीर के अंदर, और हम कुमराट के लिए चले जाएंगे। कुमराट उन पहाड़ों की बैक साइड में उतर ये मेरी बाइक है, बहुत ही खूबसूरत है, टोटल ग्रीननेस है, माशाल्लाह पसंद आई जगह बदोगी पास। ये हम बदोगी पास से अभी कुमराट के लिए जा रहे हैं, सारा ही ऑफ रोड है, लेकिन कम से कम कुमराट की तरफ उतरना पड़ रहा है, चढ़ाइयाँ नहीं है सिर्फ उतरने के लिए। तो बहुत खूबसूरत मंजर आ रहे हैं सामने, आप देख सकते हैं टोटल ग्रीननेस है, लेकिन रोड ऑफ है तो इस वजह से कोई टूरिस्ट नहीं है, मैं अकेले ही नज़र आ रहा हूँ। बाकी मैंने लोकल तो कई बहुत सारे देखे, लेकिन टूरिस्ट कोई भी नहीं देखा अभी तक इस रूट पर। बदोगी पास से कुमराट के लिए जब उतर रहे हैं तो बीच में एक बड़ा जंगल आता है, बहुत खूबसूरत जगह है, ये हमारे वो दोस्त आ रहे हैं जिनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मैं मैकेनिक बन गया हूँ जिससे मैंने गाड़ी इनकी सही करी। वालेकुम सलाम भाई इन बेचारों की थोड़ी सी मैंने गाड़ी सही करी, अच्छे दोस्त बन गए हैं धीर के, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से काम चल रहा है सबका, अल्लाह ताला मुझसे भी काम ले रहा है लोगों के लिए, और मेरे लिए भी मुसीबत आसान कर रहा है लोगों के थ्रू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार का। ये बीच में एक छोटा सा ढाबा स्टाइल होटल आया है जहाँ मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ, और इंशाल्लाह चाय पीने के बाद हम इस टूर को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इंशाल्लाह ताला। इस जगह का नाम बारगोई है और ये कलाम रोड कहलाता है, और ये कुमराट जा रहा है रास्ता। अस्सलाम वालेकुम, हम अभी पहुंच गए हैं लाभ मोती, और ये बहुत हसीन वादी है, नज़र आ रही होगी आपको, बहुत ही खूबसूरत मंजर है इधर। ये भी हम हैं कुमराट के लिए जा रहे हैं, कुमराट के रास्ते में अभी हम उतर रहे हैं कलाम वाली साइड से, और ये बीच में एक और वादी आई है, बहुत खूबसूरत मंजर है इसका भी। ये नज़र आ रही है नीचे वादी है लामोती, बहुत ही हसीन मंजर है, ये बीच में से दरिया बह रहा है, चारों तरफ हसीन पहाड़ है। ये भी हम कुमराट के रास्ते में हैं, और बीच में एक दरिया का रंग बिल्कुल चेंज हो गया है, ग्रीन हो गया है, बहुत खूबसूरत मंजर है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह मैं कुमराट पहुंच गया हूं आज कलाम से। शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे और मैं अभी कुमराट वैली के अंदर इंटर हो चुका हूं और मेरी कोशिश है मैं जहां तक आगे जा सकूं जाऊं और उसके बाद वहां पर क़याम करूं और फिर अगले दिन इंशाल्लाह वहां से देखें कोई अगर ट्रैकिंग का बंदोबस्त होता है तो ट्रैकिंग करेंगे वरना हम रिटर्न बैक करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अभी हम कुमराट के जंगल में हैं, बहुत ही लाजवाब मंजर नज़र आ रहे हैं। अभी हम माशाल्लाह कुमराट के बिल्कुल एंड पहुंच गए हैं, बिल्कुल यहाँ से कुमराट का रास्ता ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल मैं चलता चलता आ गया हूँ। मैं कहीं पर भी किसी होटल पे नहीं रुका, ख़ास तौर से देखने के लिए कि बिनावला कहाँ तक जा सकते हैं। और अभी मगरिब से पहले पहले इंशाल्लाह थोड़ा सा रिटर्न बैक करके तो दरिया के किनारे पर कैंप करेंगे हम और इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत रास्ता है, यहाँ से आगे थोड़ा सा रास्ता है जहाँ पर काला चश्मा है, लेकिन 2 किलोमीटर आगे है, लेकिन एक बंदे ने बताया जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सारा गंदा हुआ हुआ है और खुश्क हुआ हुआ है उसका पानी और बिल्कुल काला हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, वरना उनका मशवरा ये है कि आप इधर ही दरिया के किनारे पे कैंप कीजिए रात को और फिर देखिए आपको क्या यहाँ से मंजर दिखते हैं। तो मेरा भी ये इरादा हुआ है कि मैं अब थक भी गया हूँ काफ़ी, सुबह 9 बजे से चला हूँ और अभी दोपहर के तकरीबन शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, तो तकरीबन 6 और 9 घंटे की तकरीबन राइड कर ली है और मीटर सिर्फ जो हुआ है वो अभी 75 किलोमीटर हुआ है। टोटल ऑफ रोड था, सारा दिन ऑफ रोड था और दरिया है, पंचकोरा बहरा है सामने से, इसकी शाखें निकल रही हैं वहाँ से अलग अलग स्टाइल में। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सुबह इस जगह को सही तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कुमराट पहुंच गए और मैंने बिल्कुल दरिया पंचकोरा के किनारे पे अपना कैंप लगाया है। पूरा कुमराट खाली है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ दूर दूर तक मैं सिर्फ मैं अकेला हूँ। या छोटे मोटे पीछे जो रिजॉर्ट नज़र आ रहे हैं इनमें कोई एक आध फैमिली है, लेकिन मैंने खुद दरिया पंचकोरा के करीब कैंप लगाने का इरादा किया था, इसलिए मैंने अपना कैंप बिल्कुल दरिया पंचकोरा के बराबर में लगाया है। और इस साइड पर मेरी बाइक खड़ी है, वो अभी मेरा कैंप है और ये दरिया पर छोरा दे रहा है।
हम अभी कुम्हराट से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बारिश शुरू हो गई है और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, शायद आपको नज़र आ रही हो इसके अंदर। बारिश की वजह से हरियाली और निखर गई है माशाल्लाह, और बहुत ही लाजवाब मंजर नज़र आ रहा। ये बारिश की वजह से मुझे एक जगह मिल गई है जहाँ पर मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इस करके नीचे मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी। सामने कुम्हराट में आबशार नजर आ रही है, बहुत खूबसूरत नजर है इसका भी। हम आज कुम्हराट से वापस जा रहे हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो गई है। आगे जहाज़ बांडा के लिए देखें कि अगर पॉसिबल हुआ तो आगे जहाज़ बांडा जाने का इरादा है, लेकिन अभी एक जीप वालों ने बताया है कि आगे ना बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से जहाज़ बांडा का रास्ता बंद हो गया है। जीप ट्रैक या तो हम नीचे से ट्रैक करके ऊपर तक जाएँ या तो फिर हम उसको कैंसिल करें, लेकिन अब हम यहाँ से थल जाएँगे पहले और वहाँ जाके कंफर्म करेंगे क्या है, और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें नीचे जाना चाहिए या फिर ऊपर जाना चाहिए। लैंडस्लाइडिंग हुई है इधर के इलाकों में और जहाज़ बांडा का रास्ता आज के लिए बंद हो गया। वो कह रहे हैं कि कल खोल दिया जाएगा, लेकिन मैं आज यहाँ पर सारा दिन ज़ाया हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं थल के रास्ते से नीचे लोअर देर के लिए जाऊँ और चित्राल के लिए कोशिश करूँ। अगर चित्राल की मुझे इजाज़त मिल जाती है तो मैं वहाँ से चित्राल जाऊँ, वरना हम रिटर्न बैक करेंगे पेशावर के लिए। ये अभी हम शरिंगल की तरफ जा रहे हैं, कुम्हराट से शरिंगल की तरफ।
पेशावर से होके जमरूद वाले रास्ते से बाबे खैबर पे पहुंच गए। ये मेरे पीछे बाबे खैबर है और हमारा इरादा है आगे तुरखम बॉर्डर जाने का, तो हम कोशिश करेंगे आगे जल्द से जल्द तुरखम बॉर्डर पहुंच सकें।